आज का जो टॉपिक है वो है हमारे जोग्राफी के थर्ड चैप्टर वाटर सोर्सेज से ऑलरेडी uh, मैंने रिसेंटली इसके ऊपर कुछ एक दो वीडियोज बनाई है जिसमें से लेटेस्ट सिलटेशन थी सो बिफोर वी स्टार्ट लेट सी दैट के वट एग्जैक्टली टॉपिक इज ऑल अबाउट Here, right screen, जिसको हमने करना है। हमारे जो इरीगेशन के मैथड है वो एक तो हम इसको डिस्कस करेंगे इसके अलावा दूसरा जो है वो है मॉडर्न मैथड ऑफ इरीगेशन सो लेट्स सी के हमारे कन्वेंशनल सिस्टम में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम आज के वीडियोज में देखेंगे नंबर वन हमारा है शेडफ नंबर टू पे वी हैव है चारसा नंबर वी हैव पर्शियन व्हील अ वेरी भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके अलावा टॉपिक जिससे रिलेटेड हमारे पास पेपर के क्वेश्चन आते हैं नंबर फाइव हमारा है इनडेशन कनाल्स और जो लास्ट पे है हमारा दैट इज टैंक इरीगेशन ये सिक्स है हमारे कन्वेंशनल सिस्टम्स जिसको हम जो है हमारी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इनको हम ओल्ड ऑर्थोडॉक्स मेथड भी कहते हैं एज है 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 कि एक और हमारा इसके इसके अंदर अंदर जो वो मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ हम जो उनसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें नंबर वन है परीनियल कनाज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके बाद द सेकेंड वन इज ट्यूबवेल इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आते हैं देन कम्स द स्प्रिंकलर्स और लास्ट पे है टैंकर्स सो so, ये वो कंटेंट है इन डिटेल जिसके ऊपर हमारा आज का वीडियो है जिसको हम वन बाय वन अपनी अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर देखेंगे सो व्यूअर्स दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव राइट ऑन द स्क्रीन दैट इज द प्रोसेस ऑफ शेडफ ये एक ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल मेथड है इरिगेशन का इसके अंदर मैंने एक छोटा सा गिफ्ट ऐड किया है राइट साइड right पे उसकी तरफ मैं आऊंगा बट पहले मैं अपने बुलेट्स जो है वो आपको थोड़ा लैबोरेट कर दूं इसमें आपका जो वाटर है वो ड्रॉन अप किया जाता है किसी भी एक वाटर बॉडी से वो वाटर बॉडी कोई वेल well हो सकता है एक रिवर या फिर कोई कनाल हो सकती है इसमें एज यू इन द ओवर हियर कि एक पोल है उसके राइट right साइड पे बकेट अटैच है यू कुड सी दैट टू पीपल हु आर वर्किंग और उसके लेफ्ट साइड पे देर इज वन पर्सन हु इज बेसिकली एडिंग अप द वेट यानी कि पोल के दोनों साइड पे एक तरफ बकेट अटैच है जो कि वाटर बॉडी के अंदर जाती है और दूसरी तरफ एक वेट अटैच है जो उस बकेट को यानी कि वाटर फिल्ड बकेट को उस वेट की वजह से वहां से बाहर निकालता है ये एक पुराना ऑर्थोडॉक्स मेथड है जिसकी वजह से आप बहुत स्मॉल एरिया ही इरिगेट कर सकते हो बहुत हैवी बहुत लार्ज एरिया इरिगेट नहीं होता और सेकेंडली बहुत रेयरली अब ये सेटअप जो है वो फार्मर्स के थ्रू यूज अप होता है यानी कि ये एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है जिसको बहुत ज्यादा अब यूज नहीं किया जाता सो दिस इज आर फर्स्ट कॉन्टेंट ऑफ शेडफ इसी तरह से हम मूव करते हैं अब अपने अगले कॉन्टेंट की तरफ द सेकेंड कॉन्टेंट आफ्टर शेडफ वी हैवर हि चारसा ये भी हमारा एक ओल्ड और ऑर्थोडॉक्स मैथड ही है यहाँ पे जो सेटअप है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि यहां पर एनिमल पावर को यूज किया जाता है टू पुल द वॉटर फ्रॉम द वॉटर बॉडी और जैसा कि हम इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि एक एनिमल पावर को यूटिलाइज किया जा रहा है यहाँ पे और ऑब्वियसली एक ह्यूमन लेबर साथ जो है वो अटैच uh, है जिसने उस एनिमल को मूव करवाना है इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ पे यू कुड सी देर इज अ बकेट अकेट हेयर बॉडी जब आपका जो एनिमल है उसको जब आप फॉरवर्ड मूव करवाते हैं तो वो जो बकेट है वो उस फेल्ड बकेट जो है वो वाटर बॉडी से बाहर आती है उसी तरह से वैन यू टेक द एनिमल बैक टूवर्ड्स द बकेट वाली साइड पे अगर आप उसको लेकर आएंगे तो वही बकेट जो है वो फिर मूव करती है आपकी स्ट्रेट अवे वाटर के अंदर और अगेन द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज और एज ए सेड अर्लीयर के जिस तरह से आपका जो uh, शर्डअफ का प्रोसेस है वो एक ऑर्थोडॉक्स मैथड है और वो भी को बहुत ज्यादा एरिया एरीगेट नहीं करता ना ही अब वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है बाय द फार्मर सेम लाइक फॉर चार साइट इज नॉट यूज मच बाय द फार्मर्स नाउ ये भी क्योंकि एक ओल्ड मैथड है इसलिए इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाता वेल थर्ड टॉपिक्रॉम देशनल मैथड विच इज अर्शियन व्हील एक और ओल्डोडॉक्स मैथड or ये टॉपिक आपका जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है आपको एक पिक्चर डिस्क्रिप्टिव का कॉन्टेंट आता है जिसके अंदर आपको एक पर्शियन व्हील की पिक्चर दी जाएगी एंड यू नीड टू रेकग्नाइज दैट मैथड और आपको उस मैथड के प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा तो इस स्लाइड के अंदर मैंने उस मैथड के ऊपर ही डिस्कशन करनी है सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बुलेट As you could see, it is been written that it has been powered by the blind folded bullocks. Here you could see that in this picture, के दो bulls आपके जो हैं, वो move कर रहे हैं track trap के ऊपर और वो एक wood के साथ attached हैं. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों bulls जो हैं, वो blind folded हैं. उसका reason ये है ताकि ये अपने जो है वो track से deviate ना करें. और ये एक horizontal wheel के साथ यहाँ पे attached हैं. वो हॉर्जोंटल व्हील आपको इस पिक्चर के अंदर तो नहीं नजर आ रहा सो ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुल आपका जो है वो एक हॉरिजॉन्टल व्हील के साथ अटैच्ड है जब ये बुल अपने ट्रैक पे मूव करता है तो उसकी मूवमेंट से ये हॉरिजॉन्टल व्हील मूव करता है ये हॉर्जोंटल व्हील आपका फर्दर आगे वर्टिकल व्हील्स के साथ अटैच्ड है जो गेयर आप करता है आपके वर्टिकल व्हील्स को इन शॉर्ट ये कि आपकी बुल की मूवमेंट से हॉर्जोंटल व्हील मूव करता है और उसकी मूवमेंट की वजह से फर्दर आगे आपके वर्टिकल व्हील मूव करते हैं नाउ कमिंग बैक टू द सेम पिक्चर हे यू कुड सी दैट के आपका ये एक वर्टिकल व्हील अटैच है जो कि मूव कर रहा है और उसके साथ आप येलो कलर की यहाँ पे कुछ बकेट्स देख रहे हैं जो अटैच है बेसिकली इस वर्टिकल व्हील का हाफ पोर्शन जो है वो एक वेल well के अंदर होता है यानी कि एक वाटर बॉडी के अंदर होता है और हाफ पोर्शन बाहर होता है तो जब इस वर्टिकल व्हील की मूवमेंट क्रिएट होती है उसकी वजह से ये बकेट्स पानी के अंदर जाती हैं एंड देन दे रेज द द फ्रॉम उसके बाद ये वाटर जो है वो स्पिल करता है एक ट्रे के ऊपर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रे कलर की जो ट्रे है जहां पे वो वॉटर स्पेल कर रहा है और वहां से फिर वो वॉटर लीड करता है टूवर्ड्स द फील्ड जहां पे आपने एरिया इरिगेट करना है तो ये मेथड आपको पेपर में पूछा जाता है एक पिक्चर डिस्क्रिप्टिव के साथ जिसको अगर आप अलैबरेट करते हैं अगर आप इन्हीं बुलेट्स को अलैबरेट करेंगे उस पिक्चर को ऑब्वियसली रेकग्नाइज करने के बाद जरूरी नहीं वो यही पिक्चर हो आपको कोई और पिक्चर भी दी जा सकती है बट इफ यू नो द प्रोसेस तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक पर्शियन व्हील है सो राइट डाउन दीज बुलेट्स डेवलप दम इन द फॉर्म ऑफेंस एंड यू गेट द मार्क्स नेक्स्ट कन्वेंशनल मेथड जो है हमारा वो है कारेज का जो कि एक अंडरग्राउंड वाटर चैनल है ये भी एक कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है कारेज बेसिकली एक इंडिजीनियस मेथड है इरिगेशन का इन विच बेसिकली द ग्राउंड वाटर इज टैप्ड बाय अ टनल तो मैं इस पिक्चर को ही इलेबोरेट करूंगा इस प्रोसेस को थोड़ा डिफाइन करने के लिए एज यू गुड सी ऑन द टॉप द स्नो मेल्टिंग माउंटेन कि यहाँ पे आपके स्नो uh, अवेलेबल होती है वो मेल्ट करे या उसके अलावा जो आपका सेकेंड पोर्शन होता है वो है आपका प्रेसिपिटेशन का दैट यू गेट वाटर फ्रॉम द रेनफॉल दोनों प्रोसेस से ही आपको जो वॉटर इनटेक मिलता है उसकी सीपेज जो होती है वो आपको अंडरग्राउंड वाटर लेवल प्रोवाइड करती है जिसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन मीन्स द सीपेज ऑफ वाटर जिसकी वजह से वी गेट और ग्राउंड वाटर अब एज ए सेट के टनल्स क्रिएट की जाती हैं और उस टनल से फिर मतलब डिग अप करके आप अपना अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको निकालते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जहां पे अंडरग्राउंड वाटर को यूटिलाइज किया गया है यानी कि जो टनल है उसको डिग अप किया गया है और उसके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं एक साइड पे देर इज विलेज विच इज द लो लैंड एरिया ऑफ द माउंटेन और साथ एक फार्मलैंड है ऑब्वियसली विच वुड बी इिगेटेड विद दैट मैथड उसके साथ साथ जो चीज हमने देख ली है यहां पे एज ए साइड इट इजोंटल अंडरग्राउंड कनाल इन द फुटिल्स एक हॉरिजोटल तरीके से टनल क्रिएट की गई है जहां से आप वॉटर इनटेक कर रहे हैं अनदर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर हेयर इज दिस वर्टिकल वेंटिलेशन वेल जो ये आपको वर्टिकल पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर दीज वंस These are basically called as the vertical shafts. इनको vertical shafts कहा जाता है और इनको dig up किया जाता है for a purpose and that purpose is to clear the canal if there will be any kind of a blockage. For example, अगर आपके water के inside area के अंदर किसी भी portion पे अगर कोई blockage create होती है और उसकी वजह से फिर obviously आपका जो water है वो surface level पे यहाँ तक नहीं पहुंच सकेगा या फिर उसके जो है फ्लो में जो है वो स्मूथनेस नहीं रहेगी तो इन वर्टिकल शाफ्ट्स को फिर क्रिएट किया जाता है ताकि क्लियर की जा सके किसी भी किस्म की ब्लॉकेज अंडरग्राउंड और हमारे जो वॉटर का जो फ्लो है वो स्मूथ रहे ये एक और पिक्चर है यहाँ पे जो कि रियल पिक्चर है करेज की इसमें जो अनदर थिंग दैट आई नीड टू एड इज दैट के करेज का जहां पे प्रोसेस किया जाता है उसके सराउंडिंग में ट्रीज को प्लांट किया जाता है और उन ट्रीज को प्लांट करने की एक रीज़न होती है टू प्रोवाइड द शेड टू दैट वाटर बॉडी ताकि हम अवेपरेशन को मिनिमाइज कर सकें जो हम वाटर सरफेस जो हम यूज कर रहे हैं मतलब अब वो वाटर क्योंकि सरफेस पे आ चुका है तो उसके अवैपरेशन होने के चांसेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होंगे तो प्लांटेशन से ये बेनिफिट होता है कि एक शेड प्रोवाइडेड होता है जिसकी वजह से आपकी अवेपोरेशन जो है या वाटर लॉस जो है वो आपका मिनिमाइज हो जाता है सो दिस इज हाउ बेसिकली द द प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट वन वी हैव ओवर हियर इज अनदर कन्वेंशनल मैथड ऑफ इरीगेशन वेल इनडेशन कनाल्स आर बेसिकली द लॉन्ग कनाल्स जो टेकअप की जाती हैं ऑफ द लार्ज रिवर्स And they have a huge capacity or and receive water when the level of the river is high enough, and especially when the river is high because of the flood. When you flood like situation, then you volume of water obviously. And then this is the right time for these canals to take up the water from those. रिवर्स विच आर बेसिकली ओवरफ्लोइंग सो इसके साथ साथ एक और कनाल्स को भी हम डिस्कस करेंगे प्रीनियल कनाल्स को अपने अपकमिंग स्लाइड्स के साथ क्योंकि उसका और इसका एक कंपेरिटिव क्वेश्चन आ जाता है आपको लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ इनंडेशन कनाल के बारे में ही बात करूंगा अब एज वी नो दैट कि हमारी कंट्री के अंदर जो फ्लड लाइक सिचुएशन है वो मोनसून सीजन के अंदर डिवेलप होती है विच इज जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर जून जुलाई अगस्त एंड सप्टेम्बर और उन्ही दिनों में हमारा जो रिवर का जो वॉल्यूम है वो रिवर हाई होते हैं और ऐसी फ्लड लाइक सिचुएशन के अंदर ही हमारी जो कनाल हैं इनडेशन कैनाल्स वो वर्केबल होती हैं उसके साथ साथ द डायवर्जन चैनल्स मींस के उन्हीं रिवर्स में से वी बेसिकली डाइवर्ट द वॉटर टूवर्ड द अदर वर्जन ऑफ इट और इसकी एग्जांपल्स यूजुअली जो हमें मिलती है वो हमें हाई एरियाज के अंदर मिलती है मीन्स द इनडेशन कनाल यूजली आर बिंग डेवलप्ड ऑन द हाई एरियाज

mainly in the situation of flood and which comes in the monsoon season the next one in the last conventional method we have over here is tagregation iskiopulboza the detailed jo hai wo discussion hai. Bas show us a content hai which we need to see and elaborate एंड दैट इज द मड बैंक्स आप एक पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि एक बहुत लार्ज एरिया के ऊपर एक मड बैंक क्रिएट किया गया है जिसको हम एक स्मॉल रेजरवायर भी कह सकते हैं ऑब्वियसली ये डैम्स या बैरिजेस जितना बड़ा तो नहीं है बट इवेंचुअली होता ये है कि वो एक मड बैंक क्रिएट करते हैं और उसमें जो है वो वाटर कलेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कि जब बारिशें होती हैं तो इन मड बैंक के अंदर जो है वो वॉटर कलेक्ट हो जाता है और इन्हीं वॉटर्स को बाद में फिर यूटिलाइज किया जाता है फॉर इरिगेशन। ये भी आपका एक ओल्ड ऑर्थोडॉक्स मेथड है जिसको हम कन्वेंशनल मेथड कहते हैं बट इट इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इरिगेशन टू द सराउंडिंग एरियाज बहुत ज्यादा लार्ज एरिया तो कवर अप नहीं करता लेकिन इट इज वन ऑफ द मैथड विच इज बीन यूज टू प्रोवाइड द वाटर टू द लैंड सर्विस

हमें पता है कि हम अपने डैम्स और बैरेज को डेवलप करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए और ये कनाल्स हमारी डैम्स और बैरेजेस से ही निकलती हैं दैट इज वाई हम इसको लिंक कनाल का नाम देते हैं सेकेंडली ये क्योंकि एक स्टोर्ड वाटर से हम लोग लिंक जो है वो निकालते हैं और आगे फर्दर कनाल्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं सो दैट इज द रीज़न वी कैन गेट द वाटर थ्रू आउट द ईयर इनडेशन कैनाल के अंदर हमने देखा था कि वो सीजनल थी यानी कि जब हमारा मानसून सीजन होता है पाकिस्तान के अंदर तब हमारी जो है वो फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है और हमारी जो इनडेशन कनाल हैं दे टेक अप द वाटर लेकिन जो हमारी पेनियन कनाल हैं उनको हम सारा साल पानी प्रोवाइड कर सकते हैं जस्ट बिकॉज दैट वी आर गेटिंग दैम फ्रॉम द रेजर वाइज जहाँ पे हमारा ऑलरेडी वाटर स्टोर्ड है हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे परीन कनाल प्लस इनडेशन कनाल के साथ एक कंपेरेटिव क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी डिस्कस किया था कि हमें इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लिए जाते हैं जैसे मैंने बताया कि और ये वाली जो कनाल है ईयर वाटर प्रोवाइड करती है तो ये इसका एडवांटेज है दूसरा ये है कि जो प्रीनियल कनाल्स हैं ये आपके वास्ट एरिया को इरीगेट करती हैं बिकॉज ये सारा साल अवेलेबल होती हैं उसके अलावा जो आपकी इन कनाल्स हैं वो आपकी एक सीजनल कनाल है जो कि ऑब्वियसली जब उसको वाटर टेकअप मिलेगा ओनली देन इट वुड प्रोवाइड यू द वाटर और जो ये वाली कनाल्स की अगर अब आप डिसएडवांटेजेस की बात करें क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर आपको वाटर प्रोवाइड करती हैं तो एक इसका डिसएडवांटेज आप मेंशन कर सकते हैं वाटर लॉगिंग और सेलेनिटी का बिकॉज वाटर लॉगिंग और सिलेटी आपको प्रीवियस uh, स्लाइड के अंदर मिल जाएगी या प्रीवियस वीडियोस के अंदर मिल जाएगी और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है कि जब आपका अंडरग्राउंड वाटर लेवल राइज करता है तो वो सेलिनिटी क्रिएट करता है तो क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होती है दिस इज द रीजन दे प्रोवाइड यू द मोर अंडरग्राउंड वाटर बिकॉज सीपेज रहती है The the second in list of 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 our modern methods of irrigation is the tube well. Another very important content as a paper point of view related आपको बताता हूँ पहले मैं इसको इलाबोरेट कर लूँ अब यहाँ पे ट्यूबवेल्स के थ्रू हम बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर लेवल को यूटिलाइज करते हैं वी पंप द वाटर और हम एट लीस्ट जो है वो ट्यूबवेल्स के थ्रू 300 फीट की डेप्थ से हम वाटर को रेस कर सकते हैं इन पंप्स को यूटिलाइज किया जाता है ऑब्वियसली हैव टू जनरेट और उसके लिए हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है या इन पंप्स को अगर हमने रनअप करना है तो उसके लिए हमें यूटिलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है इधर डीजल की या फिर पेट्रोल की और एक और सोर्स जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनको जनरेट करने के लिए वो है हमारे सोलर पैनल्स इनका ऑब्वियसली एडवांटेज हमें ये होता है कि ये एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है बिकॉज डीजल और पेट्रोल का जो प्रोसेस है वो आपका ऑब्वियसली एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है वो आपका पोल्यूशन की तरफ लीड करता है लेकिन सोलर पैनल्स का आपको भी बेनिफिट पता है इसका डिटेल डिस्कशन मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में यानी कि पावर सोर्सेस के अंदर करूंगा कि सोलर पैनल्स की जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है और क्यों है लेकिन यहाँ पे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं ट्यूबवेल्स के साथ अगली चीज जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली है वो ये है कि हम अपने ट्यूबवेल्स के थ्रू एटलीस्ट वन थाउजेंड हेक्टर्स का जो एरिया है वो हम इरिगेट कर सकते हैं बल्कि उससे ज्यादा का एरिया भी इरिगेट किया जा सकता है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हिस्सर इज दैट के ट्यूबवेल्स हमारे एक किस्म के सोल्यूशन है वाटर लॉगिंग और सिलेंडरिटी के लिए हमें पता है कि वाटर लॉगिंग और स्नेटी एक मैनस है एक प्रॉब्लम है फार्मर के लिए और इसकी डिस्कशन मैं ऑब्वियसली प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूं यहाँ पे हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हम ट्यूबवेल डेवलप करते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करते हैं मेनली ट्यूबवेल्स की वजह से हमारा जो वाटर टेबल है वो रिड्यूस होता है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और सिलिटी क्रिएट नहीं होती तो वी कैन सेयर दैट के हमारी वाटर लॉगिंग और सिलेनरटी को सॉल्व करने का एक जो सोल्यूशन है वो है द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबवेल्स अब जहां तक क्वेश्चन की बात है तो ट्यूबवेल्स का कंटेंट हमारा पर्शियन व्हील के साथ लिंक अप होके आता है और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इफ वी वुड रिप्लेस द पर्शियन व्हील विद ट्यूबवेल तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा और क्या डिसएडवांटेज होगा क्वेश्चन की डिस्कशन में डिटेल किसी दिन अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर करूंगा वैसे थोड़ा बहुत पॉइंट तो आपको इन स्लाइड से भी पता चल जाएगा कि इसके एडवांटेजेस मेनली क्या है सो थिंक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिप्लेसिंग पर्सन वील ट्यूबवेल नेक्स्ट वन वी हैं जिसके थ्रू हम इरिगेशन करते हैं uh, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हाउ एग्जैक्टली दे लुक लाइक आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर के, के एक लैंड सरफेस को एक इरिगेशन प्रोवाइड की जा रही है जो अभी ऑब्वियसली कल्टिवेबल उस तरह से नहीं है जैसे कि मेरी प्रीवियस पिक्चर आपको नजर आ रही है कि वो एक ग्रीन फील्ड है यहाँ पे इस तरह से वाटर सप्लाई पाइप के थ्रू वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इरीगेशन की जाती है दूसरा पॉइंट यहाँ पे वी नीड टू है इज दैट के सेंट्रली प्लेस किया जाता है इन वाटर सप्लाई पाइप को फील्ड के अंदर और ये एक स्पेसिफिक आपका एक पाइप जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया को जो है वो इरिगेट करता है रोटेट करके थर्ड थिंग विच इज़ अगेटिव ऑफ अ स्प्रिंकलर वो ये है कि दीज आर वेरी मच एक्सपेंसिव तो आपका एक पुअर फार्मर जो है वो स्प्रिंकलर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता यूजली जितने भी आपके मॉडर्न मैथड्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव उतने नहीं हैं उनमें ज्यादातर आपको जो है वो कॉस्ट हाई ही नजर आएगी और ये भी इसका एक नेगेटिव है जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि स्प्रिंकलर्स के थ्रू जो हमारी वाटर की यूटिलाइजेशन है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है मतलब पानी का बहुत ज्यादा लॉस उस तरह से नहीं होता ऑल्दो हम अंडरग्राउंड वाटर लेवल को ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं इसके अंदर और स्प्रिंकलर जो है वो हमारे एक स्पेसिफिक एरिया को इरीगेट करते हैं वन स्प्रिंकलर हमारा रोटेट करके एक स्पेसिफिक एरिया तक ही वाटर प्रोवाइड करता है एज वी डिस्कस इन द ट्यूब के वो आपकी वाटर लॉगिंग और सिलिटी uh, जो है उसको प्रिवेंट करता है क्योंकि ये भी अंडरग्राउंड वाटर लेवल को यूटिलाइज कर रहा है तो स्प्रिंकलर्स कुड बी अनदर सोल्यूशन दैट यू कैन राइट डाउन इन द वॉटर लॉगिंग एंड सिलिटी के उसकी उस मैनस को या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक तरीका जो है वो स्प्रिंकलर्स भी हैं द लास्ट थिंग पिक्चर स्प्रिंक्ल लुक लाइक जो इनका डिस्टेंस होता है जैसे मैंने बताया कि ये सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं फील्ड के अंदर तो जो maximum डिस्टेंस रखा जाता है एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के दरमियान वो आपका ऑलमोस्ट 15 फीट का होता है एंड यू कुट इन दिक्कतली वर्क और किस तरह से ये आपको इरीगेट करते हैं आपके लैंड एरिया को यूजली आपने शायद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर या स्पोर्ट्स uh, uh, आपकी uh, जो होती हैं लाइक हॉकी हो गया उनके जो ग्राउंड हैं उनके अंदर भी आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके ट्राफ सर्विस हैं उनको वाटर प्रोवाइड किया जाता है उनको सॉफ्टिन करने के लिए वहां पर भी स्प्रिंकलर्स का यूटिलाईजेशन होती है सो दिस इज अनदर मैथड ऑफ इरीगेशन विच इज अ मॉडर्न मैथड मूविंग टूवर्ड्स आर वेरी लास्ट मॉडर्न मैथड ऑफ इरीगेशन इज द टैंकर इरीगेशन एक और ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू इरीगेशन की जा सकती है अब इस प्रोसेस के अंदर ये है कि हम लोग कलेक्शन करते हैं वाटर की फ्रॉम द पॉन्ड्स एंड लेक्स वहां से पानी जो है वो लिया जाता है और फिर टैंकर्स के थ्रू या जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है हम इस प्रोसेस के थ्रू फिर जहां पे वाटर रिक्वायर्ड होता है वहां पे हम वाटर प्रोवाइड करते हैं द वाटर कैन बी प्रोवाइडेड टू द फील्ड एरियाज जैसा कि प्रीवियस पिक्चर के अंदर आपको नजर आया है और इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो टैंकर्स हैं दे कैन बी प्रोवाइडेड टू द हाउस होल्ड एज वेल वहां पे भी वाटर इनटेक दिया जा सकता है विद हेल्प ऑफ दिस तो दोनों तरह के प्रोसेस ऑब्वियसली हम यूटिलाइज कर सकते हैं हाउस होल्ड में भी और फील्ड लैंड एरिया के अंदर भी उसी के साथ साथ जो इसका नेगेटिव है वो यही है कि ये भी एक एक्सपेंसिव मेथड है और बहुत रेयरली यूज़ होता है यूजुअली हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर देखते हैं जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि जो आपका ग्रीन बेल्ट एरिया है उसको वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू अ टैंकर तो वो भी इसी इरीगेशन सिस्टम के अंदर आता है यहाँ पे एक दो पॉइंट मैं नेगेटिव ये बताता चलूँ कि एक्सपेंसिव कुछ इस तरह से है कि एक तो टैंकर को रन करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक लेबर रिक्वायर्ड है तो उसकी कॉस्ट भी आपको आएगी उसके साथ साथ आपका जो वो टैंकर है उसने मूव करना है तो उसके लिए आपका पेट्रोल या डीजल आपको रिक्वायर्ड होगा तो ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इसलिए हम इसको एक्सपेंसिव मैथड के अंदर ही शुमार करते हैं ये था हमारा लास्ट कॉन्टेंट मॉडर्न मैथड ऑफ एरीगेशन का और ओवरऑल जितने भी मैथड ऑफ इरीगेशन कन्वेंशनल मॉडर्न हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं आई होप के आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी प्लीज काइंडली डू मेंशन द कॉमेंट्स ओवर देयर इन द वीडियो। डू लाइक द वीडियो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब करें इनशाला आई विल कम विद अनदर वीडियो सून और इसी के कुछ टॉपिक्स को हम फर्दर आगे अलबोरेट करेंगे मैंने कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन की थी कुछ पॉइंट्स साथ साथ बताए भी थे लेकिन मैं सेपरेटली जो है वो क्वेश्चंस किसी uh, अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा तब तक के लिए खुदाफिज टेक केयर योर सेल्फ